हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे न्यूक्लियस, टर्म रिलेटेड टू न्यूक्लियस, मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इनके न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियाई में स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस होता क्या है? तो द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली द एंटायर मास ऑफ एटम is concentrated in a very small space called the nucleus of an atom। यानी कोई भी एटम है उसके सेंटर में एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऐसा होगा जहां पर एंटायर मास और एंटायर चार्ज जो होगा सस्पेंड होगा, वही न्यूक्लियस कहलाता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में मेनली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अगर बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी होता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास भी लगभग न्यूट्रॉन के बराबर होता है यानी 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी होता है। अगला हमारा टर्म्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रिलेटेड टर्म्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूक्लियर साइज की बात करें तो न्यूक्लियर का जो साइज होता है वो वेरी करता है एटम टू एटम और वो ओनली डिपेंड करता है मास नंबर पर। यानी जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के 1/3। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर और आपका मेन फॉर्मूला बनता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है हर न्यूक्लियस के लिए सेम होती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू के लिए तो वो होती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। आपको याद रखना है न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलवेज सेम होती है हर एक न्यूक्लियर के लिए। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव लेवल्स में पूछा जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे एग्जाम्पल प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 है लेकिन एटॉमिक मास सबका चेंज है। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। नेक्स्ट है हमारा आइसोबार। आइसोबार क्या होंगे ध्यान से देखिए। आइसोबार आइसो भार यानी वेट, यानी एटॉमिक नंबर चेंज होगा एटॉमिक मास सेम रहेगा। एग्जाम्पल पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक मास 40। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40। तो यहां पर मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसमें एलिमेंट्स जो है उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। यानी वो एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे उनको आइसोटोन्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल में कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 13 मास नंबर, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 14 मास नंबर। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसमें 6। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो मास नंबर 13 माइनस 6 प्रोटॉन इज इक्वल टू 7। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए हैं 7। सेम अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यहां पर प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे 7। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ए माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन आप जानते हो प्रोटॉन यानी जेड यानी एटॉमिक नंबर, तो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। इसका ये मतलब है कि आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन जो है आइंस्टाइन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक रिलेशन दी थी एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी m मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी के बेसिस पे अगर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि 1 मिलीग्राम मास को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी की यूनिट है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो हम फिर 1 मिलीग्राम मास को
एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है एमसी स्क्वायर, आपको मास दे रखा है 1 मिलीग्राम इनटू इज इक्वल्स टू 1 इनटू 10 की पावर माइनस 6 केजी। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट तो वो होता है 3 इनटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस 6 केजी इनटू 3 इज 9 इनटू 10 की पावर 16। अगर इसको सॉल्व करें तो 9 इनटू 10 की पावर 10 आ जाएगा, लेकिन यूनिट आएगी जूल। अभी हमने जूल में एनर्जी फाइंड आउट की है, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये रिलेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम बात करें 9 इंटू 10 की पावर 10 जूल, तो वो क्या होगा 1 अपॉन, याद रखना ऑलवेज ऊपर वाला नीचे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और साथ वाला साथ में 9 इंटू 10 की पावर 10। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो सबसे पहला तरीका, कोई भी कैलकुलेशन करने है सबसे पहला तरीका, सबसे पहले आप लोग पॉइंट्स को रिजोल्व करें, पॉइंट को हटाएं, फिर पावर्स को रिजोल्व करें, आपका आंसर इजिली आ जाएगा। अगर मैं यहां से पॉइंट रिमूव करता हूं तो एक जीरो आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाता हूं तो 10 की पावर 19 हो गया, 19 और 10 कितना हो जाएगा, यानी 90 इंटू 10 की पावर 19 और 10 29 अपॉन 16। और अगर हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो ये हो जाएगा 5.66 इंटू 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ये था एक न्यूमेरिकल मास एनर्जी रिलेशन पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास डिफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के बारे में करते हैं, तो जब भी किसी भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और यही जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है यही इक्विवेलेंट होती है मास डिफेक्ट के। इसका मतलब जब भी किसी भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो हमेशा इक्विवेलेंट होगी मास डिफेक्ट के। तो अगर मैं मास डिफेक्ट की बात करूं तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, जेड यानी एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला यानी मास डिफेक्ट होगा ये। अगर इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हमें हीलियम न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट बताना है। हमें न्यूक्लियस का मास दे रखा है 4.0015 यूनिट। कुछ चीजें गिवन है, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.007 यूनिट और मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.008 यूनिट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमें मास डिफेक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें Z पता होना चाहिए। हीलियम के लिए Z होगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 1.007 यूनिट प्लस A माइनस Z, A कितना है हमारा 4 माइनस Z 2 यानी 4 माइनस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 यूनिट माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि हमें गिवन है 4.0015 यूनिट। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो सबसे पहले 27 से 14 और 2.014 आई वैल्यू आई प्लस यहां पर भी 2 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो आएगी आपकी वैल्यू 1.016 माइनस 4.0015 यूनिट। 2.014 को मैं ऐड करते हैं 1.016 आएगा। अगर 2.014 में ऐड करते हैं 2.016 तो ऐड करेंगे 6 और 4 10 और 3 और 0 और 4.030 और इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 4.00। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें तो वैल्यू आती है 0.028 यूनिट। ये रहा आपका सॉल्यूशन, इजीली हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। ज्यादातर मास इफेक्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हमें एक रिलेशन और पता पड़ रही है जिसको हम नोट डाल के लिखेंगे, और वो क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑलवेज ग्रेटर देन, देखिए ये न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स को ऐड किया है हमने, इनका मास ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा,
मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं ईबी से। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? मिनिमम एनर्जी जो न्यूक्लियस को दी जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है अपने न्यूक्लियस में, मींस मिनिमम एनर्जी गिवन टू न्यूक्लियस सो दैट इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी का सेम फॉर्मूला, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, यानी एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। सेम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, यानी हमें हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ईवी इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम आपने हीलियम का निकाल लिया था जिसकी वैल्यू थी 0.028 यूनिट, लेकिन यहां पर हम यूनिट में यानी एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू नहीं रखते हैं, मास की, मास हमेशा केजी में रखते हैं। तो वन यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी होता है। तो अगर मैं मास इफेक्ट की बात करूं केजी में, तो मास इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0.028 यूनिट इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0501 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, मास इफेक्ट आ गया है आपका। अगर अब मैं बात करता हूं एनर्जी की, मास इफेक्ट केजी में आ गया है। अगर मैं बोलता हूं बाइंडिंग एनर्जी, तो मास इफेक्ट की वैल्यू है 0.0501 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू सी स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.4509 इंटू 10 की पावर माइनस 27 में से 16 का घटाओ माइनस 11, तो वैल्यू आएगी 0.4509 इंटू 10 की पावर माइनस 11 जूल। अभी हमारे पास एनर्जी जूल में आई है। अगर हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जूल में वैल्यू आई है 0.4509 इंटू 10 की पावर माइनस 11 जूल, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.28 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी था, बहुत सिंपल था, इजिली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको डिनोट करते हैं ईबीएन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या होगा, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज होगी एक न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए किसी भी न्यूक्लियस से। अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, तो वो इक्वल होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम एक बात जानते हैं, हमें पिछले क्वेश्चन में हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली थी हीलियम की, और वो थी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो वो क्या होगी, 28 अपॉन हीलियम का एटॉमिक, हीलियम का मास नंबर क्या होता है, 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आएगा मेरा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के साथ आज के हमारे टॉपिक्स कवर हो गए। इसके आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, न्यूक्लियर फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ। तो ये सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।